हेलो गाइस, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड व्हीकल। आज मैं एक न्यू स्कूटर लेकर आया हूँ जो कि सहारा इवोल्स की तरफ से आती है, जिसका नाम है फ्यूज़न। और ये स्कूटर जो है, तो इसके बारे में अपन जानेंगे, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, रेंज और ये स्कूटर कितने घंटे पे चार्ज होती है। दोस्तों, इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए दोस्तों, इस स्कूटर की रिव्यू चालू करते हैं। फ्रंट की यदि बात की जाए हेडलैम्प की, तो यहाँ पास हेडलैम्प यहाँ पास नीचे देखने को यहाँ पास मिल जाता है, जो कि एलईडी इसमें प्रोवाइड कराता है। इसके साथ यदि जस्ट बाजू पे देखेंगे तो यहाँ पास डीआरएल मिल जाती है, जो कि डे रनिंग लाइट होती है और रात में जब ये ग्लो होती है तो काफ़ी अच्छा ये स्कूटर लगता है। ऊपर की ओर देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर लाइट मिलती है, जो कि बल्ब भी दिया गया है। इस स्कूटर का सहारा इवोल्स का ये लोगो यहाँ पास दिया जाता है और ये ब्लैक और वाइट में काफ़ी अच्छा स्कूटर लगता है, कलर की यदि बात की जाए। और थोड़ा नीचे आएंगे तो इस स्कूटर की यदि व्हील की बात की जाए तो 10 इंच का इस पर टायर दिए गए हैं और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इसके साथ सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पास जो सस्पेंशन दिए जाते हैं, इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कम्फर्ट राइड इस पर प्रोवाइड कराता है। अब इसके ऊपर यदि आएँगे थोड़ी देखेंगे तो इस स्कूटर का जो मीटर मिलता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिया गया है वो डिजिटल मिल जाता है और आपको इस पर पता चल जाएगा स्पीड, बैटरी परसेंटेज, इसके साथ इस स्कूटर में किस मोड पे आप चल रहे हो ये भी पता चलने वाला है। दोस्तों, यदि स्विच वगैरह की बात की जाए तो इस स्कूटर में जो स्विच दिए गए हैं काफ़ी स्मूथ दिए गए हैं और इस स्कूटर में किसी तरह का आपको सेल्फ का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि यदि आप एक बार चाबी से स्टार्ट करते हो तो आपका स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा यूएसबी पोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप इस स्कूटर को मोबाइल यदि राइड पे जा रहे हो और मोबाइल चार्ज करना चाहते हो तो इजी तरीके से आप कर सकते हैं। इसके साथ यदि नीचे की बात की जाए तो थोड़ा सा आपको स्पेस मिलता है और यहाँ पास आप कुछ भी रख सकते, मोबाइल वगैरह रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। स्कूटर की यदि सीट कम्फर्ट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा आपको सीट कम्फर्ट मिलता है और स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। आप देख सकते हैं फुटरेस्ट मेरा कैसा है। और यहाँ पास यदि पीछे की ओर बात की जाए तो पीछे आपको अच्छा खासा स्पेस दिया जाता है। दोस्तों, इस स्कूटर की यदि साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छा, इस स्कूटर में साइड प्रोफाइल मिल जाता है और सीट टेकर भी काफ़ी अच्छा मेटल की यहाँ पास देखने को मिलेगा। यदि रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो टर्न इंडिकेटर लाइट्स मिल जाते हैं, बल्ब भी दिया गया है। और इसके साथ आपको यदि मोटर की बात की जाए तो BLDC मोटर इसमें प्रोवाइड की जाती है, जो कि 250 वाट की मोटर दी गई है और फुल्ली वाटर प्रूफ मिलती है। इसके साथ रियर सस्पेंशन मिल जाते हैं, हाइड्रोलिक सस्पेंशन इस पर दिए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इस पर सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इसमें डुअल सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इस साइड भी सस्पेंशन आपको मिल जाता है और इस साइड भी आपको अपोजिट साइड भी सस्पेंशन देखने को मिलेगा। सिंगल सस्पेंशन आपको इस स्कूटर में नहीं मिलता, जो कि काफ़ी अच्छा एडवांटेज पॉइंट इस पर मिलता है। दोस्तों, इस स्कूटर में यदि साइड फुटरेस्ट की बात की जाए तो साइड फुटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है और इसके साथ बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी इस स्कूटर पर मिल जाती है। तो इस स्कूटर में यदि ब्रेक की बात की जाए, रियर ब्रेक जो मिलता है वो ड्रम ब्रेक मिलता है और इसके साथ यदि बैटरी की बात की जाए तो इसमें 60V 24 AH की इसमें बैटरी मिलती है, जो कि लिथियम आयन की बैटरी प्रोवाइड कराता है। और इसके साथ 3.5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है बैटरी और इसी तरीके से आप घर पर चार्ज कर सकते हो, जैसे आप मोबाइल को अपने कनेक्ट करते हो चार्ज करने के लिए, इसी तरह इस स्कूटर को आप घर पे चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों, इस स्कूटर के साथ जैसे कि ऑनरशिप रिव्यू आता है इस चैनल में, तो मैं इस स्कूटर का एक ऑनरशिप रिव्यू भी ले आने वाला हूँ जल्द, तो इस चैनल पे आप बने रहें। और चलिए इस स्कूटर का टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट राइड एक्सपीरियंस कैसा है। दोस्तों, इस स्कूटर में यदि सीट कम्फर्ट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा सीट कम्फर्ट मिलता है और थाई सपोर्ट के मामले में ठीक ठाक मिल जाता है ये स्कूटर। इस स्कूटर की यदि ब्रेक की बात की जाए या स्विच वगैरह की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये लो बीम हाई बीम की स्विच मिलती है, यानी कि ठीक मिल जाती हैं और हॉर्न भी काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं। इसके साथ इस स्कूटर में 3 मोड्स का ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको 3 मोड का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि टॉप स्पीड यदि 45 का आप पाना चाहते हो तो इस पे 3 मोड्स पे आपको सेलेक्ट करना होगा इस स्कूटर को।
दोस्तों खास बात यह है इस स्कूटर पे कि किसी तरह का झटका महसूस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अदर स्कूटर में आपको झटके महसूस होंगे। यदि थर्ड मोड पे आप सेलेक्ट करते हो तो झटके वगैरह महसूस नहीं होंगे। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, आप यदि दिन पे भी चलाते हो तो आपको देखने में मिल जाएगा कितनी स्पीड है। और इस स्कूटर में सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन ठीक मिल जाते हैं। इस स्कूटर की ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो ब्रेक आप ठीक मिल जाते हैं, यानी कि ब्रेक में किसी तरह की आवाज़ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ब्रेक लीवर जो दिए गए हैं वो काफ़ी शानदार मिलता है। इसके साथ जो थ्रॉटल दिया गया है वो भी अच्छा स्मूथ दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि इस स्कूटर में आपको डिस्प्ले पे यहाँ पास बैटरी परसेंटेज ज़रूर शो करेगा और मोड भी यहाँ पास ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस स्कूटर की यदि लोड कैपेसिटी की बात की जाए तो 150 kg इस स्कूटर का लोड कैरी कर सकते हैं, यानी कि एक बोरी लेकर आप चल सकते हो। और सिलेंडर भी इसी तरीके से आपको इस स्कूटर पर आ जाएगा। दोस्तों इस स्कूटर की यदि प्राइसिंग की बात की जाए तो 71,000 रुपये में ये स्कूटर आप अपना बना सकते हो। यदि आपको इस स्कूटर को परचेस करना है और टेस्ट राइड वगैरह लेना है तो आप शोरूम पे विज़िट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन पे आपको फुल एड्रेस मिल जाएगा और इसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कुछ क्वेश्चन है इस स्कूटर से लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।